हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि सुबह ही घोषणा हो गई थी, मेरी क्लास आज नहीं थी, लेकिन फिर भी हिंदी की क्लास ना होने के कारण भी मुझे आदेशित किया गया और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास गुरुवार और शुक्रवार को ही होती है, लेकिन हमने कहा था कि मैं कभी भी आकर के आपकी क्लास ले सकता हूँ, और आप लोग को सुबह ही सूचना मिल गई थी। तो अभी आप क्या करिए कि इसको शेयर कर दीजिए, इसको आप लोग शेयर करिए। हमको लगता है बहुत लोगों को जानकारी नहीं है आज, लेकिन फिर भी आप लोग शेयर करिए। और कौस्तुभ जी, इसको शेयर करवा दीजिए हर जगह, क्योंकि आज बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि इसको शेयर कर दीजिए कौस्तुभ जी, हर ग्रुप में करवा दीजिए। तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने यूरोप स्टार्ट किया था, और यूरोप में नदियों की एक लिस्ट बनवाई थी और जल संधियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी। तो चलिए आइए वहीं से एक क्वेश्चन होता है। चलो आप लोग बताओ, उत्तर दो। यूके और फ्रांस, यूके और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है? या आप कह सकते हो कि फ्रांस और यूके को कौन सी जल संधि अलग करती है? आपका प्रश्न ये है, तो कौन सी जल संधि है जो फ्रांस और यूके को अलग करती है? चलो बताओ। तनु, विनोद कुमार, उपेंद्र, कौस्तुभ, साधना, विनय, अभिषेक, वीना, सुब्रत, चंदन, वरुण, शीतल, अंजलि। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करो इसको, जल्दी जल्दी शेयर करो, तो फिर क्लास आगे बढ़ाएं। माही, गुड इवनिंग। प्रशांत, सुधांशु, रोहित कुमार, भूपेंद्र, चलो तो हमने कहा यूके और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है? आपका जवाब आया डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। चलो ये तो प्रश्न पहला हुआ। दूसरा प्रश्न होगा, किस जल संधि को भूमध्य सागर की भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? कि आप मेडिटेरेनियन सी कुंजी कहते हैं? किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं? जवाब दो आप लोग। अनिल मिश्रा, गुड इवनिंग। माही, गुड इवनिंग। प्रशांत,
सब लोग इसको शेयर करो जल्दी से, पहले शेयर लाइक कर दिया करो, उसके बाद फिर आगे कोई काम किया करो। भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं? अब आप बताओ। गुरु जी लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, चमत्कार देखें घर बैठे 24 घंटों में, इसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनको ब्लॉक करवा दीजिए। यही सब तो अराजक तत्व हैं। हाँ सब लोग शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करते हैं क्लास को। थोड़ा तो सा इसको इधर करें जाए। देखो उसमें देख चार्जर और उसमें लगा दो चार्जर। जिब्राल्टर, इसका आंसर होगा जिब्राल्टर। सब लोगों ने सही उत्तर दिया है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ओके, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत सीरियसली क्लास करिएगा, ठीक है ना? आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से करिएगा। चलो एक प्रश्न और लेते हैं, और मेरे ख्याल से सब लोग जुड़ गए हैं, जिन लोगों ने भी अभी शेयर नहीं किया उसको लोग शेयर कर दें प्लीज। एक प्रश्न को और लेते हैं, बताओ। निम्न में से कौन सी जल संधि, कौन सी जल संधि अंतर महाद्वीपीय नहीं है, महाद्वीपीय नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी जल संधि है जो दो महाद्वीपों को अलग नहीं करती है, अंतर महाद्वीपीय, इंटर माउंटेन, इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है, ठीक है? ऑप्शन इज, ऑप्शन देखो आप, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, बाबेल मंदेब, बाबेल मंदेब, बास्फोरस, बास्फोरस मेसिना, मेसिना, इनमें से कौन सी जल संधि ऐसी है जो अंतर महाद्वीपीय नहीं है, जो अंतर महाद्वीपीय नहीं है? सोमराज गुड इवनिंग, साधना शेयर कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। देखो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, बाबेल मंदिर एशिया और अफ्रीका के बीच में है, बास्फोरस आप पढ़ चुके हैं, ये बास्फोरस है, एशिया और यूरोप के बीच में ये बास्फोरस है, मेसिना नहीं है। मेसिना जल संधि ये तो इटली की जल संधि है ना, ये आपका सिसिली है और ये मेन इटली, इसके बीच में मेसिना है, मेसिना है, तो मेसिना अंतर महाद्वीपीय नहीं है, बाकी सारी की सारी तीनों क्या है, अंतर महाद्वीपीय जल संधि है। तो ये हुआ यूरोप। अब आप बताओ हमें क्या पढ़ना है, तो आज नदियां पढ़ना है, यही है ना? थोड़ा तो बताओ हमें टॉपिक क्या है।
रिवर्स पढ़ना है ना, थोड़ा बता दो हमें। शिवानंद यादव गुड इवनिंग। जो भी लोग जुड़े पेज पर वो लोग तुरंत पहले इसको शेयर कर दिया करिए, है ना। स्टार्ट किया जाए। अपना एटलस निकालो आप और अपना नोटबुक निकालो। अपना एटलस और नोटबुक निकालिए। अनु यादव गुड मॉर्निंग। रिवर्स स्टार्ट करना है, ओके। तो अपना एटलस निकालो आप लोग, एटलस निकाल लो, नोटबुक निकाल लो, उसके बाद बोलो कि हाँ सर निकाल लिया। डन लिखो, यस लिखो, जो भी लिखना हो लिखो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अपनी लिस्ट देखो, हमने रिवर्स की लिस्ट बनवाई थी और उस लिस्ट को हमने कहा था कि आप लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों ने देखा है उसको। अगर देखा है तो अच्छी बात है। अब आप देखो ध्यान से, शुरू करें, शुरू करें। लिस्ट बनवा दिया था हमने। आदर्श प्रताप खुश रहिए, निकाल लिया, वेरी गुड। चलो, बैकग्राउंड ब्लैक क्यों कर दिया भाई आपने? यहां पर ये रहता है। चलो, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहां पर? सबसे पहले हम लोग चलेंगे पोलैंड में। कहां पर चलेंगे? पोलैंड में। ये देखो आपका ये पोलैंड वाला हिस्सा है, ये क्या है? पोलैंड है। और पोलैंड में देखो पहली रिवर आपको दिखेगी, कौन सी रिवर है? देखो यहां से ये एक रिवर ऐसे प्रवाहित होके जा रही है और आ करके बाल्टिक सागर में गिर रही है, बाल्टिक सागर में गिर रही है। इस नदी का नाम है विस्चुला रिवर। अब आप पोलैंड में देखो, क्या आपको विस्चुला नदी दिख रही है? अगर पोलैंड में विस्चुला दिख रही है तो फिर हम आगे बढ़े। आप लिख करके बताओ, क्या पोलैंड में विस्चुला नदी दिख रही है? विस्चुला लोकेट हुई? अगर विस्चुला लोकेट हुई तो बताओ हमें जल्दी से। विस्चुला नदी मिली? ये देखो ध्यान से, यही है विस्चुला, विस्चुला रिवर, और आके बाल्टिक सागर में गिरती है। तो क्या विस्चुला मिल गई? ओके, मिल गई। तो अब आप देखो, इसको हम स्केच मैप से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्केच मैप देखो कैसे। आप देखो ध्यान से, ये ऐसे आप बना दो एक नदी। थोड़ा सा पेन को हम मोटा करते हैं, ठीक है ना। एक नदी ये हो गई और इस नदी का नाम हो जाएगा क्या? रिवर वेस्चुला। रिवर वेस्चुला। और कहाँ गिरती है? तो इधर आप लिख दीजिए बाल्टिक सी में। ओके, देश कौन सा है? तो आप कहेंगे पोलैंड है, ये पोलैंड की रिवर है। ओके, अब ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं कि पोलैंड की विस्चुला एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका निकास बाल्टिक सागर में होता है। अब इस नदी पर देखो ध्यान से आप, तो इस पर इसके किनारे एक आपको शहर मिलेगा। अपने एटलस में देखो ध्यान से, एक शहर है जिसका नाम है वर्षाओ। वर्षाओ, वर्षाओ मिल गया होगा, वर्षाओ, ठीक है। और जहां पर ये नदी गिर रही है, इसके मुहाने पर एक बंदरगाह होगा, दनास्क, दनास्क बंदरगाह। इतना स्थान मिला, मिल गया होगा। अगर ये दोनों मिल गया तो आप लिख करके बताओ, यस। बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें सिखाना है।
उद्देश्य क्या है? सिखाना। डनास्क डी से लिखा होगा। अच्छा जी है, हाँ जी, जी साइलेंट रहता है, ठीक है, जी से सही कह रहे, ये जी से है, हाँ ठीक है, डनास्क लिखा होगा, आप इसको मार्क करो। दोनों मिल गया, ओके। अब देखो ध्यान से, वर्सोवा पोलैंड की राजधानी है जो कि विस्तुला नदी के किनारे अवस्थित है। अब एक काम और करो आप लोग, आप देखो इसमें क्या एक शहर है लॉज, एक लॉज शहर होगा, लॉज लॉज है। नीचे देखो क्राकाओ लिखा होगा, क्रकाओ, क्राकाओ, क्राकाओ मिला क्या? क्राकाओ मिला, क्राकाओ क्राकाओ को मार्क करो। अब देखो ध्यान से, लॉज आपका मान लो यहां पर है, लॉज कहां पर है? यहां पर मान लो कि ये लॉज है और यहां पर है क्राकाओ। सारे स्थान हो गया। अब लिखो इसमें, लिखो पोलैंड की राजधानी वर्सोवा, पोलैंड की राजधानी वर्सोवा, पोलैंड की राजधानी वर्सोवा विस्तुला नदी के किनारे अवस्थित है, विस्तुला नदी के किनारे अवस्थित है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, प्रसिद्ध हुआ करता था, किंतु किंतु यहां पर और भी अन्य उद्योगों का, और भी अन्य उद्योगों का विकास हो जाने के कारण, विकास हो जाने के कारण सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन लॉज में हुआ है, लॉज में हुआ है। मतलब पहले वर्षाओं जो था वो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था, लेकिन वर्षाओं में और भी बहुत सारे उद्योगों का विकास हो गया, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया लॉज में, यानी लॉज में स्पेशल ये शहर बनाया गया किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो लॉज में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण किया गया, इसलिए इसलिए लॉज को, इसलिए लॉज को पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं, पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं, पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं, लॉज को पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं। वहीं क्राकाटाओ या क्रकाओ, क्राकाओ, वहीं क्राकाओ लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दनास्क
जबकि विस्तुला के मुहाने पर अवस्थित दनास्क नदी, दनास्क बंदरगाह, जबकि विस्तुला के मुहाने पर अवस्थित दनास्क पोलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पोलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पोलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हो गया विस्तुला क्लियर। अब आगे लिखो, आगे देखो आप ध्यान से। विस्तुला नदी के थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड में देखिए, तो एक नदी मिलेगी आपको, ओदर नीस, ओदर नदी, ओदर या ओदरा लिखा होगा। तो ओदर नदी को मार्क करो, लोकेट करो, देखो ध्यान से उसको, मिल जाए तो हमें बताओ आप। ओदर नदी मिली, आप देखो ध्यान से। ये नदी देखो, और इसकी सहायक है ओदर की सहायक है नीस। तो ओदर नदी मिली, ओदर नदी, रिवर ओदर मिल गई, सबको मिल गई। ओके, अब इसको हम स्केच मैप से समझाएंगे, ध्यान समझो। एक नदी है ये, इसका नाम है रिवर ओदर, और एक इसकी सहायक है रिवर नीस। रिवर नीस दोनों पोलैंड में है। इस तरफ है जर्मनी और इधर है पोलैंड, और इधर जाकर के गिरती है कहां पर, बाल्टिक सी। तो कहने का मतलब ये क्या है कि पोलैंड और जर्मनी के बीच में यह नदी एक सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी नदी है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो आप कहेंगे ओदर नीस नदी, ओदर और ओदर की सहायक है नीस नदी, यही दोनों मिलकर के जर्मनी और पोलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, जर्मनी और पोलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है ओदर नीस। वैसे अगर देखा जाए तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो प्राकृतिक सीमा के बजाय आपको राजनीतिक बाउंड्री है, ये राजनीतिक बाउंड्री का नाम है हिंडरबर्ग, हिंडरबर्ग लिख लो। जर्मनी और पोलैंड के बीच में राजनीतिक सीमा के रूप में हिंडरबर्ग लाइन है, हिंडरबर्ग लाइन। तो हिंडरबर्ग लाइन राजनीतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा की बात करेगा तो ओदर और नीस ये दोनों नदियां मिलकर के पोलैंड और जर्मनी के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुआ? कितने लोगों को समझ में आया लिख करके बताओ। ये क्लियर हुआ? मदन भट्ट गुड इवनिंग, चंदन गुड इवनिंग, क्लियर हुआ? देखिए कौस्तुभ जी कह रहे हैं, उनको कहना पड़ रहा है तो ये गलत बात है, सब लोगों को शेयर करना चाहिए, ये आपका दायित्व तो है, और ये बहुत ही गंदी आदत है अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं, और तो ये मैं बहुत खराब मानता हूँ।
फिर तो वही चीज़ हो जाती है जो हम बार बार बोलते हैं कि भारत में अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, अच्छा अच्छा टैलेंट जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो सब कोई आगे नहीं आएगा। अगर यही हरकत करेंगे आप लोग तो कौन आपके लिए खड़ा होगा, सोचो खुद। तो ये जो मानसिकता है, थोड़ा इससे बाहर निकलो, हमेशा खुश रहो, सबकी सबकी तारीफ करना सीखो, है ना। कोई बुरा भी है तब भी उसकी तारीफ करो। तारीफ करने की आदत जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन सबसे ज्यादा आपको खुशी होगी, है ना। झूठ मूठ की तारीफ करो, लेकिन दूसरों की तारीफ करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ दिन भर आलोचना करना। अरे यार वो तो ऐसा है, अरे यार उसकी क्या बात कर रहे, वो तो बहुत गंदा आदमी है। तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हम अपने मामले में तो वकील होते हैं, दुनिया भर की दलील देंगे, और दूसरों के मामले में हम क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। तो इन सबसे ऊपर ऊपर उठिए और सब लोग शेयर कर दीजिए। और ये दिखता भी है कितने लोगों ने शेयर किया, कौन लोग शेयर नहीं किए, ये दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगता है कि चलो हम तो किए नहीं, कि पता थोड़ी चल रहा है, सब पता चल रहा है यहाँ पर। मैं आज के बाद शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, बस जिस दिन मुझे लगेगा कि आप लोग को लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं, उस दिन मैं खुद हट जाऊंगा पेज से, ठीक है। जिस दिन मैं आज के बाद शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा दायित्व था तो मैं बोल देता था, आज के बाद नहीं बोलूँगा। अब आप जाने, आपका काम जाने। चलो खैर, तो नोट डाउन करो, हिंडरबर्ग रेखा किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडरबर्ग लाइन है, लेकिन प्राकृतिक सीमा के रूप में कौन है, ओदर नीस नदी है। इसको नोट डाउन करो, ये होगा क्लियर। अब ये हो गया आपका पोलैंड, अब आप चलोगे कहाँ, जर्मनी में। आप कहाँ चलोगे, जर्मनी में। तो जर्मनी में देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आपको दिखाई देगी, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, ये जो नदी आप देख रहे हो ना, ये ऐसे देखो बह रही है। इस नदी का नाम है रिवर एल्ब, एल्ब रिवर मिली जर्मनी में। अब जर्मनी में जाओ आप, जर्मनी में मिलेगी एल्ब रिवर, और एल्ब की सहायक है स्प्री नदी। स्प्री नदी अगर लिखा नहीं होगा आपके एटलस में तो घबराना नहीं है बिल्कुल, बर्लिन लिखा होगा। बर्लिन से होते हुए एक नदी खींच दो और इसमें मिला दो आप। ये ध्यान रखना है कि बर्लिन जो है वो स्प्री नदी पर है, और स्प्री नदी एल्ब नदी की क्या है, सहायक नदी है। और इस एल्ब नदी का निकास कहाँ होता है, तो उत्तरी सागर में होता है। कहाँ होता है, उत्तरी सागर में होता है। ध्यान से देखो आप, एल्ब रिवर मिली या नहीं मिली हमें लिख करके बताओ। मिल गई, ओके, सबको मिल गई, बता दिया करो हमें लिख करके। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये इतना आसान नहीं जो करा रहे हैं, ये बहुत टफ है, बहुत हौच पौच है इसमें, बहुत आराम से चल रहे हैं इसीलिए, क्योंकि नदियाँ यूरोप की जैसे समाप्त होंगी वैसे समझ लो कि आपका यूरोप आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, ये मान लो कि एल्ब रिवर है, ये कौन सी है, रिवर एल्ब, और कहाँ गिर रही है। आप कहोगे भैया ये तो नॉर्थ सी में गिर रही है, नॉर्थ सी हमें पहले से पता है, ओके। इसकी एक सहायक रिवर है रिवर स्प्री, स्प्री स्प्री नदी है, और इसी स्प्री नदी पर आपको मिलेगा बर्लिन, बर्लिन मिलेगा, बर्लिन मिला। सब शहर को लोकेट करते जाओ, और जहां पर ये नदी गिर रही है वहां पर एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है हैम्बर्ग,
हैम्बर्ग बंदरगाह जहां पर ये गिर रही है वहां मिलेगा आपको हैम्बर्ग बंदरगाह। हैम्बर्ग के अलावा इस नदी के किनारे, एल्वे के किनारे ही आप देखो एक शहर, क्या ड्रेसडेन है? ड्रेसडेन, ड्रेसडेन है क्या? ड्रेसडेन मिल गया। कितने शहरों को देखो, क्या जितनी बातें हमने बताई, हैम्बर्ग, एल्ब रिवर, बर्लिन, ड्रेसडेन, ये सारा लोकेशन मिला या नहीं मिला? लिख करके हमें बताओ जल्दी से आप लोग। मिला या नहीं मिला? मिल गया। ओके, अब ध्यान समझो, इसमें क्या जानना है कि एल्ब जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है। एल्ब जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है जिसका निकास उत्तरी सागर में होता है और इसके मुहाने पर है हैम्बर्ग बंदरगाह। क्या है? हैम्बर्ग बंदरगाह, जो कि जर्मनी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ओके, दूसरी चीज, एल्ब की सहायक है स्प्री नदी और स्प्री नदी के किनारे जर्मनी की राजधानी अवस्थित है बर्लिन। तो पूछेगा कि बर्लिन किस नदी के किनारे है, आप कहोगे स्प्री के किनारे है। वहीं पर आप देखो, ध्यान से देखो कि ड्रेसडेन जो है ये एल्ब रिवर के किनारे है, ड्रेसडेन। और ड्रेसडेन के बारे में आपको जाना है कि ये चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, बर्तन के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। लिख लो इसमें ड्रेसडेन। तो ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एल्ब नदी के किनारे अवस्थित है जर्मनी में। और हैम्बर्ग में हमने क्या कहा कि जर्मनी का एक ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बंदरगाह है, और यहाँ से मत्स्य निर्यात किया जाता है। मत्स्य निर्यात, मत्स्यन, मत्स्य निर्यात किया जाता है हैम्बर्ग से। इसको आप लिख लो ध्यान से। इतना हुआ, आगे बढ़े। गुड इवनिंग नीलम। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगली रिवर आप देखो, जर्मनी में क्या एक नदी आपको दिख रही है? वेजर, वेजर नदी, वेजर नदी क्या मिली आपको? वेजर नदी, वेजर, जर्मनी में अगर वेजर मिल जाए तो हमें बताओ आप लोग, लिख करके जल्दी से। वेजर नदी, वेजर, इसका निकास भी होता है नॉर्थ सी में। इसका नाम है रिवर वेजर, रिवर वेजर। वेजर नदी के किनारे आपको एक शहर खोजना है जिसका नाम है ब्रिमेन। ब्रिमेन, ब्रिमेन मिला क्या? जर्मनी का ब्रिमेन शहर मिला, जो कि वेजर के किनारे है।
मिल जाए तो हमें यस लिख करके बताओ जल्दी से। विनीता मौर्या, गुड मॉर्निंग, मिल गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चंदन, सौरभ, तो वेजर नदी के किनारे है ब्रीमेन, और जर्मनी का जो ये ब्रीमेन है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पेपर मिल यानी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का ब्रीमेन, जर्मनी का ब्रीमेन। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जो ये उत्तरी सागर आप देख रहे हो ना, ये उत्तरी सागर जो ये हिस्सा है, ये उत्तरी सागर का जो तटीय क्षेत्र है किनारे वाला, ये वास्तव में महाद्वीपीय मग्नतट का उदाहरण है। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यानी कि उत्तरी सागर का जो तटीय क्षेत्र है वो महाद्वीपीय मग्नतट का उदाहरण है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एग्जाम्पल है। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे चर्चा हम लोगों ने कई बार की है, हम पुनः करेंगे एक बार, अगर कोई लोग नया जुड़ा है तो वो लोग देख ले ध्यान से। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ से ये सागर शुरू हो रहा है, ये सागर है या खाड़ी है, महासागर है, जो भी आप समझ लो, यहाँ से तट। देखो यो ये स्थलीय भाग है, ये क्या है, स्थलीय, यहीं से जल शुरू हो रहा है, ढाल शुरू हो रही है। तो ये लगभग 200 फीट की गहराई तक का जो एरिया होता है तटीय क्षेत्र में, जिसकी ढाल मंद होती है, गहराई कम होती है, अवसादों का निक्षेपण होता है, अवसाद यहाँ से आकर के जमा होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर एक्टिव होती हैं, सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, इस कारण से ये जैविक घटकों के लिए यानी जीव जंतुओं के लिए अनुकूल होता है। यहाँ पर क्या मिलेंगे, जैविक घटक मिलेंगे। जैविक घटकों के साथ जो अवसादों का जमाव होता है, निक्षेपण होता है, इसमें जीवाश्म दब जाते हैं। यही जीवाश्म एक दिन क्या होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार बन जाते हैं, और ऐसी आकृति को हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है जैविक घटकों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब जैविक घटक की बात आती है तो क्या हो जाएगा, मत्स्यन, फिशरीज, मत्स्यन यानी कि मत्स्य पालन के लिए यह क्षेत्र बहुत ही फेमस होता है। जहाँ जहाँ पर भी मग्न तट होते हैं वहाँ मछली का पालन और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से, आप जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर का तटीय क्षेत्र यानी कि जो नॉर्थ सी का जो कोस्टल रीजन है या कोस्ट है, ये क्या है, यह भी एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, और इसका नामकरण है डॉगर, डॉगर बैंक कहा जाता है इसको, डॉगर बैंक कहा जाता है। तो नॉर्थ सी का जो तटीय क्षेत्र है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, उसको डॉगर बैंक कहा जाता है। और यहाँ डॉगर बैंक में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो होगा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन,
और क्या होगा, पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस का भंडार रिसोर्स हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितनी बात क्लियर हुई या नहीं, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई लिख करके बताओ हमें, कितने लोगों को समझ में आया टॉगर बैंक क्या है, आपको समझ में आया या नहीं आया। सर मैप के लिए बुक कौन सी लीजिए, बुक से पढ़ना है तो मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़िए ही मत, तो बुक से ही पढ़ लीजिए। जब हम पढ़ा रहे हैं तो बुक कहाँ पर आ जाती है इसमें, फिर हम पढ़ा क्या रहे हैं। जब आपको बुक ही से पढ़ना है तो हम क्या पढ़ा रहे हैं फिर। अगर मैपिंग के लिए भी बुक आपको पढ़ना पड़े तब फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, कोई बुक नहीं लेना है, जितना करा रहे हैं इसी को करो आप। डॉगर बैंक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो ध्यान से। जर्मनी में और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिवर देखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। एक नदी है रिवर राइन, रिवर राइन देखो आप, रिवर राइन, और रिवर राइन की सहायक है रिवर रूर, रिवर रूर। तो रू नदी, राइन नदी को खोजो आप लोग जर्मनी, जर्मनी में राइन नदी को खोजो आप, जल्दी से खोजो आप लोग। एक एटलस खरीद लो बस, बुक नहीं लेना है। राइन नदी को ध्यान से देखो आप लोग, राइन नदी को ध्यान से देखो, राइन नदी मिल गई, थोड़ा उसको देखो क्या नीदरलैंड में भी जा रही है, उसकी लोकेशन को ध्यान से देखो।
चलो देखो, यहां से राइन मिल गई, अब इसको समझो स्केच मैप से। देखो ध्यान से, एक माउंटेन है, अल्प्स, स्विट्जरलैंड में देखो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस है ना, इटली, इन सभी में विस्तार है अल्प्स माउंटेन का। और अल्प्स माउंटेन से ये नदी निकलती है और एक झील मिलेगी आपको। जर्मनी में एक लेक है, इस लेक का नाम है कॉन्स्टेंट लेक, कॉन्स्टेंट लेक। और ये कॉन्स्टेंट लेक से होते हुए ऐसे प्रवाहित होती है बीचों बीच से, हाँ, और ये फिर आगे बढ़ेगी और इस तरह से जा करके यहाँ पर देखो ध्यान से कहाँ गिर रही है, नॉर्थ सी में। तो ये भी गिर रही है नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इधर एक माउंटेन है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और इधर एक फ्रांस में है, फ्रांस में एक माउंटेन है जिसका नाम है वास्जेस, वास्जेस माउंटेन। दोनों पर्वत देखो फिजिकल में दिखेगा। और इसका नाम है रिवर राइन, रिवर राइन। आगे जा करके ये प्रवेश करती है नीदरलैंड में, नीदरलैंड्स में ये प्रवेश करती है। और इधर तो आपका जर्मनी है ही है। और ये जो पर्वत है वास्जेस, ये है फ्रांस में। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये है जर्मनी में। इतने स्थान मिल जाए तो बताओ हमें, ध्यान से देखो। इतने स्थान मिले, तो जो ये राइन नदी है इन दो पर्वतों के बीच से भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यही है राइन दीवर। ये इस तरह से ये राइन दीवर है। एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट, एक तरफ वाजेस। कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ इस तरह से है। देखो ध्यान से, आप मान लो कि ये एक पर्वत है, ये ब्लैक फॉरेस्ट, और यहां पर ये भ्रंश घाटी है, और ये एक पर्वत है इस तरह से। तो ये मान लो कि क्या है, सॉरी इसको कर दो ब्लैक फॉरेस्ट, और ये हो जाएगा वास्जेस। तो ये इसका भ्रंश घाटी है और इसी में प्रवाहित हो रही है राइन रिवर। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान सुनो, आप चाहो तो नोट करो। राइन नदी जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि अल्प्स पर्वत से निकलने के बाद जर्मनी के कॉन्स्टेंट झील में प्रवेश करती है। और जर्मनी के कॉन्स्टेंट झील से होते हुए जर्मनी और फ्रांस के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखो ध्यान से, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये सीमा बनाती है।
आगे या नदी जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस में अवस्थित स्वाजेस पर्वत के मध्य में धंस घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। जिस प्रकार से भारत में नर्मदा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से राइन नदी भी दो पर्वतों के मध्य से भ्रंश घाटी से गुजरती है। आगे यह नदी नीदरलैंड में प्रवेश करती है और नीदरलैंड से होते हुए जा करके उत्तरी सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। अब देखो ध्यान से, आप इतनी बात तो हो गई नदी के बारे में। अब आप देखो, जहां पर यह नदी गिर रही है, क्या वहां पर कोई बंदरगाह है? तो आप कहेंगे रॉटरडम है। क्या है? रॉटरडम बंदरगाह है। नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह देखा आपने? रॉटरडम बंदरगाह आपको मिला क्या नीदरलैंड में? नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह की जो है, आप इसके बारे में जान लो कि आप कह सकते हो कि यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? तो आप कहोगे रॉटरडम है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और जो राइन नदी जलमार्ग है, राइन नदी जलमार्ग जो है, ये पूरे विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? आप कहोगे राइन नदी, यूरोप की राइन नदी जलमार्ग जो है, यही सबसे व्यस्त जलमार्ग है पूरे विश्व का। इसी क्षेत्र में जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। इसी क्षेत्र में जर्मनी ने सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास किया है। अब उसके पीछे कारण क्या है, उसको समझने की जरूरत है। अब ध्यान दो, ध्यान समझिएगा। जो जर्मनी में एक रिवर है, ये मान लो रिवर रूर, ये क्या है? रिवर रूर। जो रूर नदी बेसिन है, ये कोयला भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए, कोल माइन। तो रूर नदी बेसिन या रूर नदी जो कि राइन की सहायक नदी है, इसका बेसिन कोयला भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसकी तुलना भारत के छोटा नागपुर पठार से की जाती है। यही कारण है कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूर नदी बेसिन में भी कोयला मिलता है बड़े पैमाने पर, और कोयला यहाँ पर मिल जाता है, कोयला यहां पर मिलता है। तो इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूरे रीजन में लौह इस्पात उद्योग का विकास हो जाएगा। यहां पर बड़े पैमाने पर लौह इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि सार बेसिन, एक है सार बेसिन और रूर बेसिन, ये कोयला लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। तो जर्मनी का जो राइन औद्योगिक क्षेत्र है, वही सबसे विकसित क्षेत्र है। अब यहां पर आपको शहर खोजना है, इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर कुछ शहर को खोजना है। देखो इसी नदी बेसिन क्षेत्र में क्या वो शहर हैं या नहीं है। सबसे पहले आप देखिएगा तो आपको एक शहर मिलेगा कोलोन, कोलोन शहर मिलेगा। एक मिलेगा स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट। एक मिलेगा फ्रैंक फर्ट, फ्रैंकफर्ट मिलेगा। एक मिलेगा हैनोवर, हैनोवर। एक मिलेगा म्यूनिक, म्यूनिक। खोजो सब, ये सारे शहर खोजो आप लोग, इसी क्षेत्र में मिलेगा सब। एक आपको एसएन मिलेगा, एसएन।
इतने शहरों को आप जर्मनी में खोजो, तुरंत खोजो। मिल जाए तो हमें लिख करके बताओ। बिल्कुल नीलम, यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, ओके, है शहर मिल गया। बहुत गर्मी है। मिल गया, लिखो कोलोन में, लिखो लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील, लौह इस्पात उद्योग कोलोन में लिखो, लौह इस्पात उद्योग। स्टुटगार्ड में लिखो सर्जिकल एवं ऑप्टिकल, सर्जिकल एवं ऑप्टिकल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहां पर मिलते हैं, तो सर्जिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टुटगार्ड में लिखो, अच्छा ये स्टुटगार्ड हो गया। फ्रैंकफर्ट में लिखो जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। फ्रैंकफर्ट में लिखो जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जर्मनी का डेट्रॉइट कहते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसलिए इसे जर्मनी का डेट्रॉइट कहते हैं। डेट्रॉइट आपने पढ़ लिया है, उत्तरी अमेरिका में ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है। विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी कहा जाता है डेट्रॉइट को। आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने पीछे की क्लास नहीं किया है उनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, इसी फेसबुक पेज पर वीडियो पड़ी हुई है, आप ढूंढ करके देखो, ऊपर वीडियो ऑप्शन होगा उसमें आप ढूंढ करके पीछे की क्लास कर सकते हो। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का यूट्यूब पर एक चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल पर जाइए तो वहाँ पर सारी क्लासेस जो पड़ी हैं, जो भी चाहे लॉ की क्लासेस हों, पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, करंट अफेयर्स की हो, ज्योग्राफी की हो, सारी क्लासेस प्लेलिस्ट बना करके डाली गई है, आप वहाँ यूट्यूब से भी देख सकते हो उसको। ठीक है ना, जो पीछे की नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। तो फ्रैंकफर्ट में हमने कहा कहा कि ये सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जर्मनी का डेट्रॉइट कहते हैं। लिखो इसको, जर्मनी का डेट्रॉइट कहते हैं। हनोवर में लिखो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हनोवर। हनोवर जो है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। म्यूनिख में लिखो धातु एवं रसायन, धातु एवं रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, धातु एवं रसायन उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एसएन में लिखो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग। देख रहे हैं जर्मनी का पूरा जो ये रीजन है, ये पूरा रीजन बहुत ही डेवलप है, ये पूरा डेवलप है। राइन नदी है यहां पर, कोयला है, लोहा है, इन सभी के कारण इस ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया है, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है।
बात समझ में आ रही है? ओके, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? लिख करके बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया राइन नदी। तो राइन नदी को हमने कहा कि ये अल्प्स पर्वत से निकलती है और जर्मनी की कांस्टेंट झील से होते हुए वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य भ्रंस घाटी से होते हुए जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। आगे यह नदी नीदरलैंड में प्रवेश करके उत्तरी सागर में गिर जाती है। ओके, यह नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। जो इसका बंदरगाह है रॉटरडम, यह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और हमने कहा इसकी एक सहायक नदी है रूर नदी, और रूर नदी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रूर नदी, सार नदी बेसिन, ये सब वही है। इस कारण से इस क्षेत्र में जर्मनी का सबसे ज्यादा औद्योगिकीकरण हुआ है, और विशेष करके ऑटोमोबाइल। तो इसमें हमने कहा कोलोन है, एसेन है, स्टुटगार्ट है, फ्रैंकफर्ट है, हैनोवर है, म्यूनिक है, ये सारे शहर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? कितने लोगों को समझ में आया लिख करके बताओ। अब देखो ध्यान से, जो बताने चल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आप आ जाओ नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में आपको दो स्थान खोजना है, रॉटरडम और एमस्टरडम। दोनों का तटीय क्षेत्र देखो, रॉटरडम से एमस्टरडम तक का एरिया देखना है आपको, रॉटरडम से एमस्टरडम तक का एरिया देखना है। देखो ध्यान से, मान लो कि ये यहां रॉटरडम है, और ये एमस्टरडम है। तो नीदरलैंड में एमस्टरडम से लेकर के रॉटरडम तक का जो तटीय क्षेत्र है, इसको कहते हैं रैंडस्टैड स्टैड हॉलैंड, रैंड स्टैड हॉलैंड कहे जाते हैं इसको। तो हॉलैंड कोई देश थोड़ी है, नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है। और विशेष करके जो एमस्टरडम से लेकर के रॉटरडम तक का एरिया है, उसी को रैंड स्टैड हॉलैंड कहते हैं। और जो एमस्टरडम है, इसमें जानते रहिएगा ये डायमंड यानी हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग। लिखो कि एमस्टरडम हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। हीरे की यहाँ पर कटिंग होती है और उसको पॉलिश किया जाता है, यानी हीरे को तराश करके उसको पॉलिश किया जाता है। ध्यान रखिए, हीरे का कोई मोल नहीं है जब तक कि हीरे को तराशा ना जाए, उसकी कटिंग ना की जाए और उसको पॉलिश ना किया जाए, तब तक उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होता, एक पत्थर ही तो है। लेकिन आप देखेंगे एमस्टरडम हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। भारत में भी सूरत है ना, भारतीय हीरा संस्थान वहाँ पर है, वहाँ पर भी काम होता है। तो एमस्टरडम हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको आपको जानते रहना है। ठीक है, रैंडस्टैड हॉलैंड क्या है ये भी आपको पता चल गया। अब आप देखो बेल्जियम में जाओ यार, बेल्जियम में, और बेल्जियम में आपके एटलस में कुछ एटलस में होगा, कुछ एटलस में नहीं भी होगा। यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सेल्ट रिवर,
रिवर सेल्ट, रिवर सेल्ट बेल्जियम में देखो आप मिला या नहीं मिला, बेल्जियम में रिवर सेल्ट है क्या? बेल्जियम में रिवर सेल्ट है? बेल्जियम में रिवर सेल्ट है? ऑक्सफोर्ड में तो नहीं होगा, ब्लैक स्वान में मिल जाएगा, ब्लैक स्वान में मिल जाएगा। जिनको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप अपना क्या करें वहीं पर बना लें। ब्रजेश मिश्रा लिख रहे हैं सर इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि कम दिमाग वाले को भी समझ में आ जाएगा। ब्रजेश जी किसी के पास कम दिमाग नहीं होता है, सबके पास दिमाग अच्छा होता है, बस बशर्ते क्या है कि प्रतिभाएं होती हैं, प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। हम बार बार कहते हैं कि हम लोग तो वर्षा की बूंद हैं, बरसेंगे ही, अब डिपेंड करता है कि वो मृदा कौन सी है, वो मृदा उपजाऊ है या मृदा वो बंजर है। अगर अपने आप को बंजर बना के कोई रखेगा तो हमारे बरसने का कोई मतलब नहीं। अगर उपजाऊ होंगे आप, उर्वर होंगे, हमारी एक एक बूंद का आपके लिए बहुत महत्व होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितने उर्वर हैं बस। अनु भी वही बात लिख रही हैं, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं इसलिए इतने पर भी समझ में ना आए तो हम लोगों का पढ़ना ही बेकार है। बिल्कुल सही है, नहीं आपका इंटरेस्ट है, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके लाभ दीजिए। तो कोई बात नहीं है, ब्लैक स्वान में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में नहीं होगा, तो आप एक नदी बना लो इसमें बेल्जियम में और इसको हम दिखाते हैं। देखो ध्यान से, ये बेल्जियम में है, जहाँ पर नदी जिस देश में हो ना उसको कोड जरूर कर दिया करो, उसको कोडिंग कर दिया जाता है। तो बेल्जियम में ये नदी है रिवर सेल्ट, रिवर सेल्ट, और गिरती कहाँ पर है? नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में गिरती है। कोड कर दो बेल्जियम। जो ये नदी है इसके मुहाने पर एक बंदरगाह है, अगर खोज पाओ मिल जाए, हालांकि ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगा, ये ब्लैक स्वान में मिलेगा। यहाँ पर एक मिलेगा एंटवर्प, एंटवर्प, एंटवर्प बंदरगाह है, एंटवर्प बंदरगाह है। और एंटवर्प के बारे में जानो आप, ये भी हीरे की कटिंग प्लस पॉलिशिंग का प्राचीन केंद्र है, बहुत पहले से हो रहा है। एंटवर्प पूछा भी गया है परीक्षा में ये, तो आप क्या कहोगे कि भैया बेल्जियम में सेल्ट रिवर बहती है जिसका निकास होता है उत्तरी सागर में और इसके मुहाने पर अवस्थित है एंटवर्प, एंटवर्प हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का प्राचीन शहर है, ये बात आपको यहाँ पर जानना है। ओके, क्लियर हुआ या नहीं? पानी पिला दो भाई, आज बहुत प्यास लग रही है। हमें को गर्मी लग रही है कि आप लोगों को भी लग रही है? मिट्टी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि 70% के आसपास ह्यूमिडिटी है, 70-80%।
अब तक इसको 266 लोगों ने शेयर किया है, लगभग सभी ने किया है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से थैंक यू आया है आप लोगों के लिए, धन्यवाद। गुजरात में हैं आप रोहित जी? क्या रोहित जी गुजरात से देख रहे हैं क्या? बताओ हमें जरा। तो गर्मी कल से ही है बिल्कुल। वाओ माय गॉड, लाइट भी चली गई। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम तो करते रहेंगे, बोर्ड तो देख ही रहा है। विपिन जी दिल्ली से देख रहे हैं क्या? मतलब हम लोग दिल्ली और हर जगह फैल रहे हैं, हम लोग पूरे इंडिया में हैं, हम लोगों को पूरे इंडिया से देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विशेषता। चलो जहाँ भी रहो खूब खुश रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, डोंट वरी। चलो दोस्तों अब हम चलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। कहाँ पर? ये देखो ये कौन सा देश है, ये है आपका फ्रांस। हम चलेंगे कहाँ पर अब? फ्रांस में। और फ्रांस में देखो आप एक नदी, इसका नाम है सीन नदी। सीन नदी ओ हरियाणा से भी है। रवि जी पोस्टिंग है, किस विभाग में है? ओ वलसाड, आशीष सिंह, आई एम ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम गुजरात। अरे भाई अब तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, मुझे और मेहनत करना है आप लोगों के लिए। देखो चलो कोई बात नहीं, फ्रांस में आ जाओ। फ्रांस में देखो आप एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सीन। सीन नदी मिली क्या? सीन नदी खोजो आप, सीन नदी खोज लो, है ना? एक नदी और खोजो, एक है लॉयर, लॉयर नदी। सीन के नीचे देखो लॉयर नदी, शायद नदी सब सबको एक साथ खोजते हैं। लॉयर नदी मिला। इसके बाद देखो एक है गैरोने नदी, गैरोने। फिर देखो फ्रांस में एक नीचे आ रही है जिसका नाम है रोन। ये सब इधर जा रही हैं, ये सब इधर जा रही हैं, और ये आ रही है नीचे रोन। तो कौन कौन सी है? सीन नदी, लायर नदी, गैरोने नदी और रोन नदी। ये चार नदियां आप जल्दी से खोज करके बताओ हमें, फ्रांस में जल्दी से खोजो। कुछ लोगों के एटलस में रोन नदी नहीं मिलेगी, रोन नहीं मिलेगी तो बनाओ नीचे, यहां पर एक खाड़ी है लियोंस की खाड़ी, ला के यहीं अल्प्स पर्वत से ला करके नीचे गिरा दो यहीं पे लियोंस की खाड़ी में। ओके चारों नदियां खोज जल्दी से। तो लाइट आ गई। वाओ कौस्तुभ लिख रहे हैं सर, आपको यूएसए से भी देखा गया है। जब आप उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहे थे तो हमारी एक एलुमनी जो डॉक्टर हैं यूएसए में, वो आपकी सारी वीडियो देखी हैं और बोली कि मैं 20 सालों से हूँ यूएसए में हूँ, इतना तो मैं भी नहीं जानती थी। तो उनसे बोल दीजिए कौस्तुभ जी कि आप वो आराम से घूम सकते हैं, बहुत सारे लोकेशन बता दिया है, आराम से यूएसए घूमें। ऐसा होता है, मेरे भी कई सारे फ्रेंड हैं कैलिफोर्निया में, तो अक्सर फ़ोन आता है तो बातचीत फोन जब होती है तो वो हम उनको बोलते हैं यार तुम वहाँ पर गए थे क्या, चलो वहाँ पर जाके घूम लेना यार। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर घूमाऊँ, तो हमसे पूछते हैं कि क्या यार तुम आए हो यहाँ पर? हमने कहा हाँ जाते रहते हैं, गया नहीं हूँ कभी, बोल देता हूँ ऐसे ही।
बहुत प्यास लग रही है। चलो चार नदियां हो गई। नंबर एक सीन, चेक करो सीन रिवर को आप देखो आके कहां गिरती है, इंग्लिश चैनल में। इसका नाम है रिवर सीन और आके गिरती है इंग्लिश चैनल में, ठीक है। इसके मुहाने पर देखो आप एक बंदरगाह है, ली हावरे, ली हावरे, ली हावरे एक बंदरगाह होगा। और यहां पर है पेरिस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल। दो मिला, ली हावरे और पेरिस। देखो सीन नदी के किनारे, आप सी नदी किनारे, बिल्कुल। डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह सर, आई एम फ्रॉम झारखंड, धनबाद। वाह धनबाद यार, घूमना है हमको भी, बड़ा नाम सुना हूँ धनबाद का। चलो ली हावरे और पेरिस मिल गया सीन नदी किनारे। अब इनके बारे में जानो आप कि सीन नदी फ्रांस की इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका निकास इंग्लिश चैनल में होता है। ओके, इसके मुहाने पर फ्रांस का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह ली हावरे अवस्थित है। कौन सा है? ली हावरे बंदरगाह अवस्थित है। जबकि इस नदी के किनारे अंदर की ओर देखो आप पेरिस है जो कि फ्रांस की राजधानी है। अब ध्यान से सुनो पेरिस के बारे में बहुत सारी बातें हैं। पेरिस में क्या क्या बातें हैं ध्यान से देखिएगा कि एक तो पेरिस राजधानी है ही है फ्रांस की। नंबर दो, नोट कर तो सब सब नोट करते जाओ, सब आप लोग नोट करो। नंबर एक, फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है कौन? पेरिस, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, फ्रांस का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। नंबर तीन, फ्रांस का हृदय स्थल कहते हैं, हार्टलैंड कहते हैं इसको, फ्रांस का हृदय स्थल कहते हैं। और क्या है? चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। लिखो, चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम पाउडर लिपस्टिक ये सब जो भी मेकअप की जो चीजें होती हैं कॉस्मेटिक, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो लिखो, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। फैशन नगरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? फैशन नगरी कहा जाता है। और क्या है? एफिल टावर का नाम सुना है आपने, एफिल टावर। एफिल टावर कहां पर है? पेरिस में। तो लिख दो, एफिल टावर के लिए प्रसिद्ध है, फैशन नगरी है। सभी सब चीजें सब लिख दो यहां। अगली नदी है लॉयर नदी, लॉयर, लॉयर, लॉयर है क्या? लॉयर, लॉयर नदी। विनीता जी, इसमें ऐड करना ही नहीं है। कौस्तुभ जी, वो आप कह रही हैं शायद ऐड नहीं करना है, वो तो सीधे पेज को लाइक कर देंगे, तो ऐड क्या करना है उसमें? देखो ध्यान से, इस नदी का नाम है रिवर लॉयर, रिवर लॉयर।
और रिवर लायर का निकास होता है बे ऑफ बिस्के। जानते हैं आप बे ऑफ बिस्के? दोबारा नहीं बताऊंगा, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी में गिरती है लायर नदी, और इसके किनारे यहां पर आपको देखो मुहाने पर मिलेगा नैंटस, नैंटस, नैंटस खोजो आप लोग। नैंटस मिला क्या? नैंटस मिल जाए तो बताओ लिख के। नैंटस मिला, नैंटस, फ्रांस का नैंटस मिला लायर के किनारे। जल्दी बताओ आप लोग, बातचीत ना करो, छोड़ो, जाने दो। अब इधर देखो, नैंटस मिल गया, बिल्कुल मिल गया। चलो तो नैंटस फ्रांस में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग पर एक आपको लाजवाब कॉन्सेप्ट बताएं, अगर मन करे तो बताओ, अगर जानना है तो बताओ। हालांकि बताएंगे, जब कभी कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगी तो बताएंगे ही, जब टॉपिक आएगा। लेकिन क्या जानना चाहते हो अभी? कागज उद्योग पर एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसको पहले नोट कर लो। नैंटस कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बे ऑफ बिस्के में लॉयर नदी का निकास होता है। अब कागज उद्योग के बारे में अगर जानना हो तो बताएं। ओके, बिल्कुल, सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, फोकस करो, बताते हैं आपको, तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ध्यान से, मान लो ये पृथ्वी है और यहां पर ये सन है, सन रेज यहां पर पड़ रही है सब, ये पोल है नॉर्थ पोल और ये पोल है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी को हमने झुकाया नहीं, मान लो ऐसे ही। अब ये सन रेज इस पर पड़ रही है, सन रेज पड़ रही है, तो सूर्य की जो ये किरणें हैं, इस सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, यह है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, और आपतन कोण से तापमान का सीधा संबंध होता है, अर्थात आपतन कोण बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, और आपतन कोण घटेगा तो तापमान भी घटेगा। आप देखिएगा कि सूर्य की जो सीधी किरण होती हैं वहां पर आपतन कोण अधिक होता है, और जैसे जैसे सौर की किरणें तिरछी होती हैं वैसे वैसे आपतन कोण घट रहा है। तो जब इनको अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो सौर ऊर्जा की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब ये सब बहुत डिटेल बताएंगे, अभी उस पर मत जानिए, सिर्फ इतना जानिए कि आपतन कोण जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे तापमान भी घटता चला जाएगा। तो विषुवत रेखा से, ये क्या है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, क्यों? क्योंकि आपतन कोण में कमी आती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी आती है, आपतन कोण में कमी आने के कारण तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी जब आएगी, देखो ध्यान से, टेम्परेचर का प्रकाश संश्लेषण की दर से, ध्यान समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दर से सीधा संबंध होता है, यानी तापमान अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा, और प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण के दर से वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता का, वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता का सीधा संबंध होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण अगर वृक्ष अधिक करेंगे
वृक्षों की लकड़ियां तने उनके क्या होंगे, कठोर होंगे। ओके, और कठोर लकड़ी होगी तो क्या उससे कागज बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब आप बताओ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी आती है, आपतन कोण में कमी आने के कारण तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने के कारण प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आती है, और प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आती है तो वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता में कमी आती है। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे लकड़ियां मुलायम होती चली जाएंगी, यानी कि सबसे कठोर लकड़ी कहाँ मिलेगी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। फिर उसके बाद देखो समशीतोष्ण में कुछ कम, और जैसे यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, साइबेरिया में, वैसे मुलायम लकड़ी। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि क्या विषुवत रेखीय क्षेत्र में कागज उद्योग होगा, आप कहेंगे नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा, क्या कैसे हो सकता है, यहाँ लकड़ियां इतनी कठोर हैं कि लकड़ियों के नाम ही खतरनाक हैं, आयरन वुड, ग्रीन हर्ट, एबनी, आबनूस, एक्स ब्रेकर, कुआ ब्राचो, कुल्हाड़ी तोड़, एक्स ब्रेकर, इतनी कठोर लकड़ी है तो उसका कागज नहीं बनेगा। जैसे ही आप साइबेरियन क्षेत्र में आएंगे मुलायम लकड़ी मिलेगी, और मुलायम लकड़ी मिलेगी तो कागज उद्योग होगा। अब अगर मैं आपसे, देखो कुछ भी नहीं आता है आपको और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, और मान लिया कि निम्न में से कहां कागज उद्योग होगा, और ऑप्शन दे दे नैरोबी, नैरोबी है, नैरोबी एक हो गया, एक मान लो दे दिया मानोस, मानोस, और एक मान लो दे दिया क्यूटो, कीटो, और एक दे दिया मान लो क्या दे दिया, राम खिलावन, एक्स वाई जेड, कुछ भी मुझे नहीं पता उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि नैरोबी तो कहां पर है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, केनिया में, मानोस ब्राजील में वहीं पर है विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास, क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी वहीं पर है, ये सब कठोर लकड़ी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कागज उद्योग नहीं होगा। राम खिलावन जी अपने आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, मुझे आए चाहे ना आए। तो आपको देखना है कि कर्क रेखा के उत्तर में जो भी शहर होगा वहीं पर कागज उद्योग की संभावना होगी, या आप कह लो कि लगभग 40-45 डिग्री के ऊपर जो भी मिलेगा वहां कागज उद्योग होगा। और ध्यान दीजिएगा, वही 40-45 डिग्री, मान लो 30-35 से लेकर के 35 के ऊपर ही चावल क्या होगा, चावल नहीं होगा, चावल हमेशा 30-35 डिग्री के नीचे होगा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है तो वाष्पीकरण के दर में कमी आती है, वाष्पीकरण के दर में कमी आती है तो वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, सबसे कम यहाँ हो रही है। वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो वृक्षों की सघनता में, यानी वन की सघनता में कमी आएगी, तो सबसे घने जंगल कहाँ होंगे, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होंगे, विरल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तापमान कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण घटेगा, प्रकाश संश्लेषण घटेगा तो वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता भी घटेगी, सबसे कठोर यहाँ होगा, मुलायम यहाँ होगा, इस कारण से कागज उद्योग हमेशा यहाँ हो सकता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में कागज उद्योग का विकास नहीं हो सकता। हालांकि ये अभी बहुत अच्छे से आपको नहीं आएगा, अभी जब क्लाइमेटोलॉजी आप सीख लोगे तब आपको समझ में आएगा। चलो खैर, कुछ थोड़ा बहुत समझा होगा आपने, थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, तो लायर हो गई। अगली नदी देखो आप, अगली है गैरोने, गैरोने नदी, रिवर गैरोने मिली, क्या रिवर गैरोने, देखो ध्यान से आप, रिवर गैरोने का निकास भी होता है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, इसका नाम है रिवर गैरोने, रिवर गैरोने फ्रांस में,
इसके किनारे आपको दो बंदरगाह या दो स्थान खोजने हैं। एक है टोलूस, कौन सा है? टोलूस। टोलूस मिला क्या? या टलूस। और एक मिलेगा यहाँ किनारे बंदरगाह, जिसका नाम है बोर्डियास्क। बोर्डियास्क, एक है बोर्डियास्क और एक है टलूस। गरोने के किनारे आपको खोजना है। ओके, मिल गया। देखो ध्यान से, हमने एक एक कॉन्सेप्ट और बताया था आपको कि देखो ध्यान से भैया, ये जो क्या है कि ये 40 डिग्री हाई है, देख रहे हो 40 डिग्री अक्षांश है, तो इसका मतलब 30 यहीं कहीं होगा और 45 भी यहीं कहीं होगा। देखो 50 है, 50 है तो 45 यहीं कहीं होगा। ये पूरा रीजन जो है ना, ये सब रीजन जो है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। यानी कि किसी भी महाद्वीप का 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का जो पश्चिमी किनारा होता है, उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट रीजन। तो भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में क्या होगा, अंगूर की कृषि बड़े पैमाने पर होगी। क्या होगी? अंगूर की कृषि। यहाँ वर्षा शीतकाल में होती है, अंगूर की कृषि होती है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अंगूर की कृषि होगी तो यहाँ शराब इंडस्ट्रियाँ यानी कि शराब उद्योग के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो फ्रांस, तो विशेष करके फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये सब शराब के तो पूरा समझ लो ये ऐतिहासिक नगर है। आप संगम साहित्य पढ़ेंगे, भारत में भी मुनीर नाम की शराब फ्रांस से मंगाई जाती थी। सोचो संगम काल मुनीर बहुत फेमस शराब हुआ करती थी, तो वहां से मंगाई जाती थी। ओके, तो अब देखो बोर्डियास्क जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शराब उद्योग का एक केंद्र होने के साथ साथ शराब के निर्यात के लिए जाना जाता है, यानी शराब एक्सपोर्ट, वाइन एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है बोर्डियास्क। और टलूस जो है ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए, यानी इसका असेंबल भी होता है। टलूस में वायुयानों का निर्माण भी होता है और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी होती है टलूस में, और ये दोनों गैरोने के किनारे हैं। लिखो आप इसमें जल्दी से, लिखो टलूस वायुयान निर्माण एवं परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। टलूस वायुयान निर्माण एवं परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जबकि बोर्डियास्क शराब उत्पादन का केंद्र होने के साथ शराब उत्पादन का केंद्र होने के साथ शराब निर्यातक बंदरगाह है। शराब निर्यातक बंदरगाह है बोर्डियास्क, ये सब भूलिएगा मत, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगली रिवर फ्रांस में देखो नीचे आप, ये कुछ लोगों के एटलस में गायब है। रिवर रोन, रिवर रोन नहीं मिलेगा,
कोई बात नहीं, आप बना लो ऐसे। नीचे कौन सी खाड़ी है? लियोंस की खाड़ी। लियोंस की खाड़ी आप देखो ध्यान से, ये मान लो भैया कि आपका अल्प माउंटेन है, अल्प माउंटेन है, और यहां से ये नदी ऐसे प्रवाहित होती हुई आ रही है, और गिरती कहां पर है? लियोंस, गल्फ ऑफ लियोंस में ये नदी गिरती है, और इस नदी का नाम है रिवर रोन, फ्रांस की है, और ये पर्वत जो है इसका नाम है अल्प्स, अल्प्स से निकलती है। इस नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्सिलिस, मार्सिलिस, मार्सिलिस बंदरगाह, और एक है इस नदी के किनारे शहर खोजो। देखो एक शहर है लियोन, LYON, लियोन, लियोन, मार्सिलिस खोज लीजिए, फिर हमको बताइए आपकी मिला या नहीं मिला। मिल जाए तो बताओ हमें आप, मिला? आज तो बहुत उमस है भाई, एकदम नरक है। कल भी 6 बजे से ही क्लास रखेंगे कौस्तुभ जी, कल भी टाइम टेबल चेंज ही कर दीजिए, 6 बजे कर दीजिए, ठीक ही रहेगा। 2 घंटा चलेगा ठीक है, 3 घंटे में दिक्कत हो जाएगी मुझे। मिल गया सबको? ओके मिल गया, वेरी गुड। लिखो आल, देखो आप समझो इसको, आप रोन नदी फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी है जो अल्प्स पर्वत से निकलती है और लियोंस की खाड़ी में गिरती है। लियोंस की खाड़ी कहाँ है? भूमध्य सागर में है, यही लियोंस की खाड़ी है। ओके इस नदी के किनारे अवस्थित है लियोन, तो लियोन में लिखो, लियोन को फ्रांस का सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लियोन सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको फ्रांस का सिल्क सिटी कहा जाता है। लिखो इसमें, लियोन को फ्रांस का सिल्क सिटी कहते हैं। मार्सिलिस में लिखो आप, मार्सिलिस में लिखो आप, देखो यहां पर थोड़ा बहुत चावल की खेती हो जाती है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, चावल की कृषि यहाँ हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर इटली में हो जाता है, इसके ऊपर चावल और नहीं मिलेगा। देखो मार्सिलिस में क्या है, एक तो चावल यहाँ पर है, और इसके अलावा यहाँ पर सब चुकंदर से चीनी बनती है, तो चीनी भी है यहाँ पर। देखो ध्यान से, मार्सिलिस से चावल और चीनी का निर्यात होता है, मार्सिलिस से चावल और चीनी का निर्यात होता है। अगला पॉइंट, पेरिस के बाद यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, पेरिस के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है, इस कारण इसे द्वितीय पेरिस कहते हैं, सेकंड पेरिस कहा जाता है इसको, सेकंड पेरिस, सेकंड पेरिस ऑफ फ्रांस मार्सिलिस है। तो लिखो कि इसे द्वितीय पेरिस कहते हैं, सेकंड पेरिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि भूमध्य सागर पर अवस्थित या भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ओके चलो, ये तो हो गई नदियां कहां की? फ्रांस की। अब आ जाओ स्पेन में, अब आप स्पेन में आओ, स्पेन में ध्यान से देखो, तो नदियों को एक साथ खोजते हैं। सबसे पहले आपको एक नदी मिलेगी डावरो, डावरो, एक है टागस, टागस, डावरो टागस, एक है ग्वादल क्योर स्पेन में,
ग्वादलक्योर, और इधर देखो आप एक है एब्रो, एब्रो इधर आ रही है भूमध्य सागर में, बाकी सब इधर जा रही है। तो ये कौन सी है? ये डावरो है, ये टागस है, ये ग्वादलक्योर है और ये एब्रो है। ये चारों नदियां खोजो जल्दी से, आप मिल जाए तो हमें बताओ। चारों नदियां खोज लो आप। किसको किसको मिला, किसको किसको नहीं मिला, बताओ। सबको मिल गया। ओके, तो देखो ध्यान से, एक है डावरो, एक है टागस, और यहां से लाइन खींच दो। ये हिस्सा है स्पेन का और ये है पोर्चुगल का। पोर्चुगल, इस नदी का नाम है रिवर डावरो, डावरो, और ये है रिवर टागस, रिवर टागस। पोर्चुगल और स्पेन में ये दो नदियां देखो आप, डावरो और टागस। इधर की ओर आप देखो तो इधर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये जो दो नदियां हैं डावरो और टागस, इनका संबंध स्पेन और पोर्चुगल दोनों से है। अब ध्यान से आप देखो, जो डावरो नदी है ना, इस डावरो पर देखो, इसको आप मुहाने पर आप देखो, यहां पर एक मिलेगा बंदरगाह जिसका नाम है पोर्तो। क्या नाम है? पोर्तो। और जो टागस है इसके किनारे मुहाने पर मिलेगा लिस्बन, लिस्बन, लिस्बन और पोर्तो, इनको खोजो आप। पोर्तो मिलेगा डावरो के मुहाने पर और लिस्बन मिलेगा टागस के मुहाने पर। मिल गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबको मिल गया। अब पोर्तो में तो जान लो भैया, ये शराबी शराब है, यहाँ पर यहाँ शराब है। तो पोर्तो से जबरदस्त तरीके से शराब का निर्यात होता है और प्रोडक्शन भी खूब होता है, हाई प्रोडक्शन और हाई जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। तो आप इसमें लिख दो पोर्तो में, यहाँ शराब उत्पादन का यह केंद्र और निर्यातक बंदरगाह है, शराब का उत्पादन और निर्यातक बंदरगाह है, इसलिए इसको वाइन पोर्ट कहा जाता है, इसलिए इसको शराब बंदरगाह कहते हैं। पोर्टो को शराब बंदरगाह कहते हैं, वाइन पोर्ट कहा जाता है, पोर्चुगल में है। वहीं वहीं लिस्बन टागस नदी के मुहाने पर अवस्थित है, जो पोर्चुगल की राजधानी है। वहीं लिस्बन कागज नदी के मुहाने पर है, जो लिस्बन की राजधानी। ओके, नेक्स्ट देखो आप, ग्वादल क्योर, ये ग्वादल क्योर है। ग्वादल क्योर केवल स्पेन में है, तो कुछ ऐसे ये बह रही है, और जो यहां पर बह रही है ना दोस्तों, देखो ध्यान से, ये जो बह रही है ना, ये खाड़ी है यहाँ पर,
इस खाड़ी का नाम है कैडिज की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैडिज। ये कैडिज की खाड़ी है अटलांटिक में, और यहीं पर एक कैडिज बंदरगाह भी है। कैडिज बंदरगाह भी है और कैडिज की खाड़ी भी है, दोनों है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो गलती मत करिएगा। देखिए ध्यान से, इसका निकास होता है गल्फ ऑफ कैडिज में, गल्फ ऑफ कैडिज में इसका निकास होता है, और इसके मुहाने पर अवस्थित है कैडिज, कैडिज। और इसके देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर एक स्थान है सेविली, सेविली, सेविली मिला क्या, सेवली और कैडिज। इस नदी का नाम है रिवर ऑफ ग्वादल क्योर, ग्वादल क्योर, रिवर ग्वादल क्योर, मिल गया ग्वादल क्योर मिला। मिल गया, ओके। तो कैडिज जो है ना, आप ये कहो कि स्पेन की इंपॉर्टेंट रिवर है ग्वादल क्योर, जिसका निकास कैडिज की खाड़ी में होता है, ओके। और इसके मुहाने पर अवस्थित है कैडिज बंदरगाह, जो कि कार्क उत्पादन के लिए, कार्क जानते हैं आप, कार्क की बॉल से खेले होंगे, कार्क उत्पादन को कार्क बंदरगाह कहा जाता है। कार्क जो कड़ी कड़ी बॉल होती थी जिसे खेलते थे, कार्क, तो कार्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सेवली के बारे में जानिए कि यह यूरोप का, ये यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान है, या गर्म शहर कह लो आप, सबसे गर्म स्थान सेवली ही है, हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, और ये पर्यटन के लिए फेमस है। बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं, बहुत सारे कपल यहाँ पर जाते हैं और अपना घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, यहीं से पहली पिक्चर आई थी, इन दोनों लोगों के साथ में घूमते हुए, और वहीं से फिर सब खुला, सब जो कुछ भी। तो ये सेवली है, तो सेवली एक पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यूरोप में सबसे गर्म स्थान है ये, ओके। अरे अपने यहाँ के हिसाब से नहीं है, अपने यहाँ तो वैसे बहुत सारी गर्मी होती है, यूरोप ठंडा क्षेत्र है ना, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको, श्वेत लोग रहते हैं, तो यहाँ ठंडी रहती है ना, तो यहाँ के हिसाब से ये गर्म है, ओके। तो ये ग्वादल क्योर नदी है, जिसका निकास कैडिज की खाड़ी में होता है, और इसके किनारे कैडिज बंदरगाह है, जो तो कार्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और सेवली यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, ओके। क्लियर, कितने लोग समझे। अगली नदी बताओ आप, देखो एक नदी और है, यहां पर एक माउंटेन है कैंट्राबियन, कैंट्राब्रियन पर्वत बताएंगे बाद में, कैंट्राब्रियन, और कैंट्राब्रियन से नदी निकल रही है एब्रो, रिवर एब्रो, एब्रो मिली हुई आपको, देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर तो आप एक माउंटेन बनाओ, ये देखो एक माउंटेन हो गया, और इसका नाम है कैंट्राब्रियन माउंटेन, और यहां से ये रिवर निकलती है और आके गिरती है कहां पर, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में गिरती है, और इसका नाम है रिवर एब्रो, एब्रो। इसमें विशेष क्या है भाई, स्पेन की एक ऐसी नदी है जिसका निकास भूमध्य सागर में होता है, बाकी सारी नदियां देखो अटलांटिक में गिरती हैं, लेकिन यह स्पेन की एकमात्र नदी है जो कैंटाब्रियन पर्वत से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, ओके। तो चलो अपना एटलस फिर से देखो ध्यान से, जो हम बोले वहीं पर देखो ध्यान से, आप पेन की नीब वहीं रखो,
पहली रिवर हमने कहा विस्तुला, विस्तुला के एक मुहाने पर दनास, वर्षाओ राजधानी है, ठीक। फिर उसी में हमने कहा था एक लॉज, एक हमने बताया था क्राकोव, ये सब पोलैंड में था। फिर ओदर और नीस नदी जो सीमा बनाती है। फिर जर्मनी में कौन सी एल्ब नदी, एल्ब की सहायक स्पिरी, वहाँ पर बर्लिन, हैम्बर्ग, ये सब देखा आपने, ड्रेसडेन देखा आपने। फिर जर्मनी में वेजर नदी, वेजर के किनारे ब्रीमेन आपने देखा, ओके। इसके बाद राइन नदी देखा आपने, राइन के सहायक रूर देखा, कॉन्टेस्ट कॉन्स्टेंट झील देखा है ना, रूर नदी बेसिन, वहां पर हमने कहा कि रॉटरडम बंदरगाह भी देख लीजिए नीदरलैंड में, उसमें बहुत सारे शहर मिला आपको, एसन मिला, कोलोन मिला, स्टुटगार्ड मिला, फ्रैंकफर्ट मिला, हैनोवर मिला, म्यूनिख मिला, ये सब उसी क्षेत्र में शहर है। इसके बाद आप पहुंचे सेल्ट नदी, सेल्ट नदी कहाँ है, बेल्जियम में है, वहाँ एंटवर्प देखा आपने। उसके बाद आप पहुंच गए सीन नदी फ्रांस में, सीन के बाद आप पहुंच गए कहाँ, लॉयर नदी पर, लॉयर नदी के बाद आप गैरोने गए, गैरोने के बाद आपने क्या देखा, रोन नदी देखा, और रोन के बाद आप पुर्तगाल और स्पेन में आए, डाउरो टागस मिली, फिर स्पेन में ग्वादलकियोर देखा, और ग्वादलकियोर के बाद एब्रो। इतनी रिवर को आपको बार बार रिवाइज करना है, कल इससे आगे बढ़ेंगे और कल पहुंचेंगे हम कहां पर, इटली की तरफ, और इधर से होते हुए यहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो कल बाकी नदियां हम लोग करेंगे, लेकिन क्लास का टाइमिंग 6 बजे रहेगा, अभी पोस्टर भी बाहर आ जाएगा, टाइम टेबल थोड़ा बदलाव करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 3 घंटा करना और ऑफिस से भाग के आके तुरंत करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो कल 6 बजे सही रहेगा, 6 से 8 ही करेंगे, और मिलते हैं कल 6 बजे। सब लोगों को बताइए, और सब लोग पेज को भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए, इनवाइट, वहाँ पे जाएंगे अपने जो पेज खोलेंगे वहाँ इनवाइट का ऑप्शन आता है, तो अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, है ना, 10-10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो सोचो हर कोई 10-10 को करेगा तो कितना हो जाएगा। सब लोग इन्वाइट करो और अच्छे से करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग इकट्ठा होंगे उतना ही हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, ज़्यादा ऑडियंस देखेगी तो जो एक्टर होता है परफॉर्मेंस भी अच्छा करता है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, मिलते हैं कल 6 बजे, ओके बाय बाय।